जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। तो अब हमारे नक्षत्रों के बारे में कौन बता सकता है? मैं। मेरे दोस्त बघीरा, क्या तुम बताना चाहोगे? एक है बूढ़ा भालू, नक्षत्र नहीं, फोल स्टार। अगर तुम रात में सितारों को देखकर अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा? मैं कल सुबह दोबारा पूछूंगा। उम्मीद है तब तक तुम्हें ये पाठ अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ, जो बन पड़ेगा करूँगा। अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो करना चाहिए। आज के लिए काफी है। अगर तुम पाठ को जोर जोर से बोलोगे तो याद करना आसान है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बगी, अकेले करने के बजाय साथ मिलकर करना अच्छा होता है। ये मैं अकेला ही कर सकता हूँ, शुक्रिया, अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन हम कल सुबह मिलेंगे, और तुम देखना मुझे नक्षत्रों के बारे में सब कुछ पता होगा। अगर तुम पाठ को जोर जोर से बोलोगे तो याद करना आसान है। जो भी बताया था मुझे याद करना होगा, ताकि क्लास में शर्मिंदा ना होना पड़े। सारे नक्षत्र और सितारे हैं प्यारे दोस्त हमारे, साथ वो मिलकर ऐसे टिमटिमाए, मुझे तो अपने दोस्त भालू की याद आए। तारों का एक झुंड ऐसा जो दिखता चील जैसा, कुछ ऐसा नजर आए जैसे कि बिच्छू लहराए। बहुत खूब। तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हो? भी नहीं, मैं बता रही हूँ तुम्हारे पास कमाल का हुनर है, एक असली कवि और संगीतज्ञ। क्या तुम मेरे मेहमान बनना चाहोगे? तुम अच्छी कविताएं सुना सकते हो। तो फिर चलो कलाकार। हाँ तो बगीरा, क्या तुम नक्षत्रों के लिए तैयार हो? बागी, हमें आने में देर होगी। इकी, जाकर बलू से कहो कि हम बस आ रहे हैं। मैं जाकर देखता हूँ वो क्या कर रहा है। मैं रातों का राजा, सबका बजादू बाजा, मैं बिल्ला हूँ कमाल, समझू सबकी चाल। तुम मुश्किल में फंस जाओ तो मुझे आवाज लगाओ, बघी दादा दौड़ के तुरंत आएगा, तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। चलिए खाते हैं एक या दो बंदर मालिक। मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। कौन बोला? बघीरा बोला, इंसान के बच्चे। अगर हम पैंथर को बंदरों के मंदिर में कैद कर लें, तो जब इंसान का बच्चा उसे ढूंढते हुए आएगा, हम उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। बंदरों का मंदिर? लेकिन इस जगह के बारे में तो बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनी है। बिल्कुल सही, इसलिए इंसान के बच्चे को पकड़ना और भी आसान होगा। अब सुनो मेरा प्लान। मोगली और बघीरा बस आते ही होंगे। बघीरा को थोड़ा रिविजन करना था, ताकि वो क्लास में पाठ को अच्छे से सुना सके। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि बघीरा अपने पाठ पर ध्यान दे रहा है। उनके आने तक थोड़ी देर सोकर अपना खाना पचा लेता हूँ। मेरे साथ आओ, अपनी कमर हिलाओ, मैं कौन हूँ? बागी। स्लाम के बादशाह की जय हो। हे, क्या तुमने माशा को देखा? मैं मोगली और बलू के पास जाने से पहले उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। माशा, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेर खान, ये सब क्या हो रहा है? माशा, मुझे माफ
कर देना मास्टर बागी, मैंने ये अपने झुंड के लिए किया है। मास्टर बगी, यहाँ सिर्फ एक ही मास्टर है और वो हूँ मैं। वो तो देख लेंगे, तुम ये दरवाजा तो खोलो। कायर कहीं के? मेरे आने तक इन पर नजर रखना। मुझे बंदरों को इंसान के बच्चे को पकड़ने का जाल बिछाने के लिए तैयार करना है। मुझे यकीन है वो तुम्हें ही ढूंढ रहा होगा। माशा और बघीरा मेरी कैद में है। माउगली जल्दी ही अपने दोस्त की मदद करने आता ही होगा। अगर तुम दोनों उसे मंदिर में मेरे पास ले आओ तो मैं माशा को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने उसे कुछ बताने की कोशिश की तो मैं उसे खा जाऊंगा, समझे? यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, वो है चक्री को घुमाना जो इस जाल से जुड़ी है। लेकिन हम उस बेवकूफ सियार से छुटकारा कैसे पाएंगे? उससे बड़ा डरपोक मैंने आज तक नहीं देखा। तो अगर हम टबाकी, क्या तुम्हें पता है इस मंदिर में एक बंदर की आत्मा घूमती है जिसे सियार ने मारा था? मैको उसका यही नाम था। अगर उसे पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो वो, खैर छोड़ो, ये मत पूछना कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम झूठ बोल रहे हो सिर्फ मुझे भगाने के लिए। सब जानते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। किसी को मदद के लिए बुला सकती हो? हाँ, अगर तुम इसे संभाल लो तो। बघी दादा कहता है सुनो उसकी बात, मैं को यही है दिन हो या रात। अब तक यहाँ हो टबाकी, मैं देख कर हूँ हैरान। तुम दबा कर भागो यहाँ से अगर प्यारी है अपनी जान। मदद, आकर हमारी मदद करो, मैं और बघीरा यहाँ कैद में है। लेकिन शेर खान ने हमें धमकी दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम बघीरा का स्लैम गाओ जिससे तबाकी को यकीन हो जाए कि यहाँ मैको नाम के बंदर की आत्मा है जिसे एक लोमड़ी ने मार दिया था। सुनो, ध्यान दो तो सुनाई देगी तुम्हें मैको की आवाज। तुमने उस बंदर के भूत को कर दिया है नाराज। बगी, माशा, अजीब बात है, बस बहुत हुआ। क्या बघीरा वहाँ पर है? मैंने कुछ पंछियों को उड़ते हुए देखा। सांसों को महसूस कर सकते हो? अब मैं को आ गया है और तुम मेरे शिकार हो। अब मैं यहाँ आ गया और तुम्हारी खैर नहीं। बचाओ! 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 क्या बात है मोना? बगी, माशा, बड़ी अजीब बात है। बगी, शेर खान, तुमने बघीरा के साथ क्या किया? तुम दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो इंसान के बच्चे। बेहतर होगा कि तुम खुद के बारे में सोचो। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे शेर खान। मोगली शेर खान के जाल में फंस गया। मैं जाकर बंदरों को बताती हूँ कि तुम आजाद हो गए हो। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते इंसान के बच्चे। बैठ जाओ। मेरे कहने पर फेंको। यहाँ हो क्या रहा है? बगी और बंदरों ने मुझे शेर खान से बचाया। जो अकेले नहीं कर पाते वो साथ में मिलकर कर पाते हैं। सारे नक्षत्र और सितारे हैं प्यारे दोस्त हमारे, साथ वो मिलकर ऐसे टिमटिमाए मुझे अपने दोस्त बलू की याद आए।
तारों का एक झुंड ऐसा जो दिखता चील जैसा, कुछ ऐसा भी नजर आए जैसे बिच्छू लहराए। मुझे तुम पर नाज है प्यारे बघीरा। इससे बढ़कर तुमने अपनी गाने वाली कविता की मदद से अपना ज्ञान माशा और बंदरों के साथ भी बांटा है। इन्हें स्लैम्स कहते हैं बलू, और ये आइडिया तो मुझे इक्की ने दिया था। तुम कहाँ थे? मुझे छोड़कर भागा है कायर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मालिक। मेरे पीछे माको की आत्मा पड़ गई थी, वो बंदर जिसने लोमड़ को खा लिया था। उन्हें तुम्हें फिर से बुद्धू बना दिया, बेवकूफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उस माको से मिला भी हूँ। मैं आया हूँ तुझको खाने आया हूँ। मैं आया हूँ तुझे यहाँ से भगाने। मैंने कहा था ना, इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। देखो तो, मोगली और वो छुटकू बच्चा। शाबाश, एक ही वार में दोनों चित। पर वो बाघिन कहाँ है? शिकार कीजिए ना, बाघिन की फिक्र छोड़िए। यही रुकना छोटा, मैं यूं गया और यूं आया। जब तक मैं ठीक नहीं होती, छोटा का ख्याल रखना। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, वादा करता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, कल बलू तुम्हें ठीक करने वाली बूटियाँ लेकर आएगा। मम्मी ठीक है? हो जाएंगी छोटा, बस उन्हें आराम की जरूरत है, और तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो क्या है? आसमान गिर रहा है, कोई बचाओ आसमान। चुप कर, वो सुन लेंगे। हर बार मेरा प्लान बेकार हो जाता है गीदा। कितना अच्छा नजारा था ना, फिर से देखना है, फिर से। तारे जंगल में बहुत कम गिरते हैं छोटा। पता है क्या कहा जाता है? अगर धरती पे गिरे टूटे तारे के टुकड़े को कोई छू लेता है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। छोटा की इच्छा पूरी होगी। अभी नहीं, चलो अभी सोने का वक्त है, जल्दी जल्दी सो जाओ। छोटा कहाँ है? क्या, यही तो सोया था मेरे साथ। तुमने वादा किया था कि तुम उसका पूरा ख्याल रखोगे। और मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। लगता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए टूटे तारे को ढूंढने गया है। घबराना मत, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूँ। क्या कहा था नामुराद, बड़ी अच्छी जगह ढूंढी है शिकार के लिए। मुझे क्या पता था तारा आज टूटेगा। इच्छा पूरी होगी। इस टूटे तारे को मेरा ही इलाका मिला था गिरने को। चल अब सफाई पर लग जा टबाकी। पहले थोड़ा आराम कर लूं, मैं थक गया हूँ।
तू बच गया गीता, अब गुस्सा कहीं और निकलेगा। उसके आने तक अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। तू तारा। सांप चला गया, छोटा ने भगाया। बहुत अच्छे छोटा। सांप! अरे नहीं, मैं आ रहा हूँ छोटा। भूल जा। मोगली, घबराओ मत छोटा, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। पहले इस दोस्त को सैर पर भेज देता हूँ। शिकार करने की बेहतरीन जगह तो यहाँ है गीता। तो चलो उस मोगली को दबोच लेते हैं। जब मैं कहूँगा तब हमला किया जाएगा। छोटा खुश हुआ। मैं भी छिटकू। तुम ठीक तो हो ना? और क्या, पर हम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। टूटा तारा कहाँ है? छोटा को कुछ मांगना है। टूटा तारा नहीं है, छोटा की इच्छा पूरी नहीं होगी। देखो तो छोटा, यहाँ टूटे तारे हैं, बहुत सारे टूटे तारे। देखो छोटे टुकड़ों में फैले हैं, इन्हें छूकर तुम अपनी इच्छा मांग सकते हो। टूटे तारे? हाँ। मैं चाहता हूँ, मैं तो। छोटा ने मांग लिया। बहुत अच्छे छुटकू, अब देखना तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। पर पहले हमारी पूरी होगी बच्चों। पास आने की कोशिश भी मत करना शेर खान। वरना क्या, मुझसे दूर जाने की इच्छा मांग लोगे? ओ, बड़े मजाक किया हो मिस्टर शेर खान। तुझसे कहा है ना बीच में जबान मत खोला कर बदबूदार गीदड़। दूर ही रहना अच्छा होगा। हाँ मैं तो दूर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कभी ना कभी तुम दोनों ऊपर जरूर आओगे। इस बार तो ये बुरी तरह फंस गया है ना? बिल्कुल सही कहा, और मैं नहीं चाहता तू कुछ गड़बड़ करे, इसलिए जा कुछ काम कर ले। मेरी गुफा के आसपास का कचरा साफ कर। पर... जा। तुम यहीं रहना, बिल्कुल मत हिलना छोटा। मैं जिद्दी शेर खान को यहाँ से भगा कर आता हूँ। टबाकी। तबाकी, तबाकी, घन चक्कर गीदड़ हमेशा सही मौके पर गायब हो जाता है। जल्दी चल, हमारे शिकार कहीं भाग गए हैं। तबाकी, जब देखो तबाकी ये कर ले, तबाकी वो कर ले, बुढ़ा कहीं का। बदमाश शेर खान चला गया। जो खुद को ज्यादा होशियार समझता है उनके साथ ऐसा ही होता है। अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मामा,
हाँ। छोटा। मम्मी ठीक है। अब तुम घर आ गए हो, मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई है। मोगली, मम्मी ठीक हो गई, मेरी इच्छा पूरी हुई। देखा, मैंने कहा था ना। दरअसल उसकी मम्मी की तबीयत मेरी जड़ी बूटियों से ठीक हुई है और मैं ये बात उसे नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बलू। बेहतरीन जगह, एक साथ दो दो शिकार। कम से कम मैंने आपकी जान तो बचाई शेर खान, अगर आप यहाँ रहते तो आप पर तारा गिर जाता। बकवास बंद कर वरना तुझे ही लंच में खा जाऊंगा टबाकी। बकवास बंद कर वरना तुझे लंच। जंगल की ये खामोशी ठीक नहीं लग रही। उन पक्षियों को देखो, काफी डरे हुए लग रहे हैं। और ये महक मुझे तो उस खूंखार काले तेंदुए की लग रही है। काला वापस आ गया, यानी कि मोगली के लिए नया खतरा आ गया है। उस मगरमच्छ ने पूरी कोशिश की पर बघीरा ने हार नहीं मानी। उसके पैने दांतों से बचता रहा और घंटों तक उसे उलझाए रखा। और देखते ही देखते मेरे दोस्त ने वंगुंगा नदी के सबसे बड़े मगरमच्छ को आखिरकार मात दे ही दी। वो बघीरा तो कमाल का शिकारी है। कमाल का फेंकू कहो फेंकू, एक मरियल तेंदुआ मगरमच्छ को कैसे हरा सकता है। हा? बघीरा कोई मरियल तेंदुआ नहीं है टबाकी, वो सबसे जाबाज, सबसे ताकतवर और सबसे क्या? तुमने उस पर भरोसा किया? कितने भोले हो तुम। तुम्हें यकीन नहीं, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। बाला, इस चुगलखोर को यही बैठाना, मैं अभी बघीरा को लेकर आता हूँ। वो खुद इसे बताएगा उसमें कितना दम है। हाँ हाँ, आराम से आना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो तो कितना दम है उस चूजे बघीरा में। पहले हमें पक्का करना होगा क्या वाकई काला ही आया है। बघीरा, 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 तुम्हें जल्दी मेरे साथ नदी के पास चलना होगा, वो टबाकी। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा। ये बघीरा को अचानक क्या हो गया, वो ऐसे क्यों गया, मुझे भी बताओ क्या बात है। ओह, बघीरा को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही तो है। हाँ, नदी के पास टबाकी ने क्या किया। तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो, अगर तुम दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं अपने आप ही पता लगा लूंगा। इतने बड़े नहीं हुए। छोड़ो मुझे, जाने दो। पहले देखते हैं वो टबाकी क्या गुल खिला रहा है। मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकता हूँ। बलू, बलू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ बलू? मार के पूछ रहे हो क्या हुआ? देखा जिद का क्या नतीजा होता है। जिद तुम कर रहे थे। बहस मत करो, अब मुझे कुछ मोरिंगा की पत्तियां ला कर दो ताकि मेरा दर्द कम हो, वहाँ उन झाड़ियों में होंगी। ले आओ, जाओ जल्दी। अभी लाया। बोलो। वो काला ही है, मैंने भेड़ियों की गुफा के पास उसके निशान देखे, उसके आगे के पंजे पर वो निशान मैं कभी नहीं भूल सकता। इंसानों को खाने वाला खतरनाक काला तेंदुआ वापस आ गया है। मोगली को खाने? वो भी बदले की आग के साथ। याद है वो मोगली को खाने वाला था 10 साल नहीं 11 साल पहले। उसने कसम खाई थी वो वापस जरूर आएगा। शायद वो वक्त आ गया है। मोगली को कुछ मत बताना, वो बेवजह परेशान होगा। तुम मोगली को अपनी नजरों के सामने ही रखना, मैं जल्दी उस काला को जंगल से बाहर खदेड़ता हूँ। मोगली, तुम्हें वो पत्तियां मिली कि नहीं? मोगली, मोगली कहाँ गए तुम? अरे नहीं,
मोगली, कहाँ रह गए थे? बघीरा कहाँ है? वही तो, कहाँ गया तुम्हारा खतरनाक तेंदुआ? लगता है डर के दुबक गया। फिलहाल वो किसी बड़े मामले को सुलझाने में लगा हुआ है। तुम्हें बता दूं, हम गीदड़ों में भी दिमाग बड़ा तेज होता है। अगर कभी उसका मुझसे सामना होगा तो मैं उसे ऐसे और फिर ऐसे चकमा दूंगा और फिर घूम के आऊंगा। फिर बहुत अच्छे। बहुत बोलते हो तुम गीदड़। मैंने तुम्हारे मुंह को बंद करने का इलाज ढूंढ लिया है। ये सही किया मोगली। चलो बाला, हमें एक दूसरे खास काम को अंजाम देना है। अच्छा, कैसा काम? बघीरा, मोगली कहीं नजर नहीं आ रहा और काला भी। काला कुछ ही देर पहले यहाँ आया था। ये निशान ज्यादा पुराने नहीं है। ओ, हमें मोगली को ढूंढना होगा इससे पहले कि काला। हम भेड़ियों की गुफा जाते हैं क्योंकि बघीरा ने काला के निशान वही देखे थे। फिर जब तक वो हमारे हाथ नहीं लगता, हम पूरा जंगल छान मारेंगे। ठीक है दोस्त? हाँ, पर कैसे? ऐसे और कैसे। कितना आसान है ना? जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। आज के बाद इस जंगल में लौट कर मत आना, अगली बार जिंदा नहीं जा पाओगे। अच्छे बघीरा, तुम बड़े बहादुर हो। क्या पिटाई की काला की। उस टबाकी को भी मैं यही कह रहा था। एक काम करोगे बघीरा, क्यों ना एक बार उस टबाकी को भी। बघीरा आ ही गए, टाइम मिल गया। मैंने सुना तुमने मगरमच्छ को हराया। ठीक से देखा था, कहीं चिपकली तो नहीं थी। अच्छा बाबा, मगरमच्छ था। बघीरा, मार लिया ना, अब तो पीछा छोड़ो। अकलमंद गीदड़ डर के भाग रहा है। उसके साथ यही होना था।
बलू, ये तुम्हारी चोट के लिए। आखिर तुमने मेरा झूठ पकड़ ही लिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम मुझे काला के बारे में बता सकते थे। हाँ, हमारे पास एक खुफिया हथियार था। हाँ, मैंने आज ही बनाया। पर इसने ठीक से काम नहीं किया है ना? वो क्या है, उसने अचानक हमला कर दिया था ना। पर अगली बार कोई सामने आएगा तो उसे मेरा अच्छा खासा जवाब मिलेगा। ये है जादू को, यही है जादू को, ये जादू को, यही है जादू को। बागीरा और बलू अपने कर्तव्य